हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि हम SGS कॉलेज का एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें गूगल सर्च इंजन पर टाइप करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। इसके बाद हमें सर्च कर देना है। इस पे जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म .com, इस पर हमें क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने पे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें संजय गांधी स्मृति PG कॉलेज सीधी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमको ऑप्शन मिल जाता है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कोर्स का नाम, जैसे हम यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, BSc सेकेंड ईयर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम नेम में आपको यहाँ पे रेगुलर ATKT जो भी सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप रोल नंबर में अपना रोल नंबर टाइप करेंगे। जैसे दोस्तों आप अपना रोल नंबर टाइप करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। कुछ इस तरह से हमारा एडमिट कार्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें डाउनलोड की दी गई है, इसके द्वारा हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट पे कमांड देकर और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए सिंपली हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारा ओपन होगा। यहाँ पर हमको अपना प्रिंटर नेम सिलेक्ट करना है। प्रिंटर नेम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सिंपली कुछ इस तरह से प्रोसेस करके हम अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही संजय गांधी कॉलेज से रिलेटेड सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।